गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मेधावी भार्गव है। आज मैं आपके सामने वीडियो लाई हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, वो सारे फैक्ट्स मैं लेके आई हूँ। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, अपना एक अलग नोट्स बना लो, या इसी को ही स्क्रीनशॉट ले लो, या बार बार देखो जिससे आपको ये मेमोराइज हो जाए। इसमें जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वो हैं ये जितने टॉपिक्स दिए गए वो। अब मैं आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला है सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? वो सारी बॉडीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं, आइदर इट इज़ मैटर, एनर्जी और स्पेस, वो सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। ये बहुत हैवी बॉडीज़ होती हैं, एग्जाम्पल सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा। अब स्टार क्या होता है? स्टार जो होता है वो बहुत ज़्यादा, उसका ग्रेट मास होता है, हीट इसमें होती है, लाइट होती है, बहुत बड़ा होता है, हॉट होता है, बर्निंग गैस बॉल होता है। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अब है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, जो तारे हैं वो चमकते क्यों हैं? तो इसको समझने के लिए, जो तारों से हमारी जो लाइट होती है वो पास होती है, फिर वो डिफरेंट लेयर ऑफ स्पेसेस, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर से होती हुई रिफ्लेक्ट होके हमारी ह्यूमन आई पे आती है, जिसकी वजह से वो जो हमें तारा है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ सन, मून एट्सेट्रा इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। और हु इज़ द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये आता है एमसीक्यू में, निकोलस कॉपरनिकस। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्टेलेशंस। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ सर्टेन इमेजिनरी शेप। ये कुछ इमेजिनरी शेप बनाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि कुछ इमेजिनरी शेप बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंस्टेलेशन। अब आता है जो इसकी दो एग्जांपल है, उर्सा मेजर और बिग बियरर। बिग बियरर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बिग डिपर भी बोलते हैं, जिसको हम सप्तर्षि तारा बोलते हैं हिंदी में, और उर्सा मेजर ये लैटिन लैंग्वेज में होता है। अब गैलेक्सी, तो गैलेक्सी कौन सा होता है? हमारा जो नियरेस्ट गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी है। उसके जो नियरेस्ट है वो कौन सा है? वो है एंड्रोमेडा। अब नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में जो भी डस्ट होते हैं या गैस, क्लाउड ऑफ गैस होते हैं, उसको नेबुला बोलते हैं। ये जो गैस एंड डस्ट होते हैं, यही क्या करते हैं? न्यू स्टार्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाते हैं सोलर सिस्टम। यह है सोलर सिस्टम हमारा, जैसे ये है हमारा सोलर सिस्टम, इसमें हम दिखा देते हैं आपको रेड कलर से। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है? तो सोलर सिस्टम, एक मिनट, मैं आपको एक मिनट में दिखा रही हूँ। ये हमारा सोलर सिस्टम, ठीक। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सेलेस्टियल बॉडीज। अब जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनर प्लैनेट होता है, आउटर प्लैनेट होता है। जो हमारा जो इनर प्लैनेट होता है वो कौन से होते हैं? जो इनर प्लैनेट होते हैं वो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड क्लोजेस्ट टू द सन। जो इनर प्लैनेट होते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं या रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रॉक से बने होते हैं और ये सन के सबसे नियरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इनर प्लैनेट कौन से हैं, हमारे आउटर प्लैनेट कौन से। तो हमारे जो इनर प्लैनेट है वो है मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, और आउटर जो प्लैनेट है वो हमारे गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी इसको हम बोलते हैं, यानी जुपिटर रिलेटेड होता है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो होते हैं हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं। अब हमारा जो सन होता है, वो जो सन, तो क्लोजेस्ट स्टार
जो होता है पृथ्वी का जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है, अर्थ है, जिसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, जो कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 4.22 मिलियन लाइट ईयर। अब आते हैं एस्ट्रोराइड। हाँ, जो सन सूर्य, ये क्वेश्चन आता है सेकंड में आता है, लेकिन सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन जो सनलाइट है उसको अर्थ अर्थ पे आने पे कितना समय लगता है, तो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। ये क्वेश्चन आया था कि कितने मिनट लगता है, इस बार मिनट में नहीं पूछा गया था, सेकंड में पूछा गया था, क्योंकि मिनट में मोस्टली लोग आंसर कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकंड है, आप इसे 8 मिनट 20 या 16 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500 सेकंड इसका आंसर है। अर्थ क्या है, अर्थ का जो शेप है, अर्थ क्या है, एक जियोआइड है, जो कि जीएफ लिस्निंग ने इसका नाम इसका दिया था। जो अर्थ का जो मास होता है, जो अर्थ के सरफेस में 3/4 जो एरिया है वो हमारा वाटर से ढका है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट हमारे दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इनसेट और एजीसैट कौन से हैं, ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी हमारी जो सैटेलाइट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, मैंने बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो हैवी बॉडीज़ होती है, जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ मैटर, एनर्जी और स्पेस। फिर मून क्या होता है, डायमीटर, जो मून का जो डायमीटर होता है इज़ अबाउट 1/4, ये 1/4 होता है अर्थ के। माउंटेन्स, क्रिएटर्स, वैलीज, अदर लैंडफॉर्म्स होती है जिसके वजह से उसमें शैडो दिखता है, जो जो सूर्य पे धब्बा दिखता है वो इसी वजह से दिखता है। ये पृथ्वी का ऑर्बिट कंप्लीट करने में 27 दिन का समय लगता है। इसमें दो होते हैं, फुल मून और न्यू मून। जो फुल मून होता है वो फुल लाइट होता है, न्यू मून होता है जिसे हम अमावस्या बोलते हैं, कंप्लीटली डार्क होता है। अब है एस्टेराइड। एस्टेराइड कौन से होते हैं, टिनी रॉकी बॉडीज होते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट होता है, इनके बीच टिनी रॉकी बॉडीज होती है, ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मेटेराइट कौन क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन आउटसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, मेटेराइट कौन से होते हैं, ये अर्थ सरफेस के बाहर होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। मेटेराइट्स क्या होते हैं, ये अर्थ सरफेस पे आते हैं और ड्यूटी, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे एंटर कर जाता है, अब यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बर्न करने लगते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। मेटेराइट क्या होता है, मेटेराइट ये क्या होता है, अर्थ पे गिरता है, जिससे जिस जिसकी वजह से वहाँ पे हॉलो यानी गड्ढा हो जाता है और उसमें आयरन होता है। कॉमेट्स क्या होता है, जिसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं, पुच्छल तारा, ठीक है। ये क्या होता है, आइसी बॉडीज या डस्ट होता है, और लॉन्ग इसमें टेल होती है, इसमें लॉन्ग टेल होता है, और ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो पहला जो पुच्छल तारा है उसको क्या बोलते हैं, हेले कॉमेट बोलते हैं। सबसे पहले 1986 में देखा गया था, फिर 2006 में, अब 2061 में देखा जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं टू फाइंड वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ और फॉरवर्ड टू इट। जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं देखने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के करीब आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है। अब जो क्विज है आज का, वो है संसद से सड़क तक, ये काव्य है, इसकी रचना किसने की थी, संसद से सड़क तक इसकी रचना किसने की थी, इसकी की थी सुदामा पांडे ने।